अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज फिर आई हूँ आपके पास एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ। तो आज ना बहुत ज़्यादा काम थे मेरे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैंने कपड़े वगैरह धो दिए थे, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो एक दिन में फिर मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था। दूसरे दिन मैंने कहा चले बेडशीट्स वगैरह सारी चेंज करते हैं और बेडशीट और सोफ़ों कवर वगैरह ना आज धो देते हैं और साथ भी ड्राई करके, तो क्योंकि बाहर बारिश भी लगी हुई थी। तो लेकिन अब मैंने ये करना भी था, मैंने कहा चलें ज़्यादा देर स्पिन करके रख देंगे तो ड्राई कर लूँगी ना। लेकिन ये भी बता दूँ आप लोगों को क्योंकि सावन का मौसम है ना, तो इसी तरह अगर आप ड्राई करेंगे तो स्मेल भी हो जाती है कपड़ों में, तो ऐसा करना जब भी ऐसे काम किया ना तो स्पिन बहुत ज़्यादा सही सारी स्पिन कर लेने हैं, तो फिर ड्राई करेंगे तो स्मेल नहीं होती। तो ये जो कपड़े मैंने फिर कल किए थे ना, वॉश किए थे, वो सारे फिर आज ड्राई हो गए थे। मैंने कहा ये भी तय करके रख देते हैं और बेडशीट दूसरी फिर बिछा दी थी और बाकी उठा के मैंने कहा चले मशीन में रखते हैं और सफाइयाँ वगैरह भी करनी है सारी। पहले तो इतनी देर मुझे इधर ही लग गई, पता नहीं दिमाग भी नहीं काम करता, याद ही नहीं रहता कुछ भी। तो बेडशीट से जब बिछाई ना वो, तो मुझे यही लगा जहन में था कि इसके मेरे ख्याल से कोई 7 पीस वाला सेट है ना, तो ढूंढ ढूंढ के फिर जहन में आई, मैंने कहा नहीं इसके तो साथ कुछ नहीं है। इतनी देर बाद फिर चलें ये है कि सारा कुछ सेट किया और ये फिर दूसरे रूम की भी बेड शीट मैंने कहा चेंज कर दूँ, अब धोने जो लगी हूँ तो फिर सारे एक साथ ही धो लेती हूँ और साफ सुथरे कर दूँगी पूरा घर। तो बाकी ना मेरे जहन में एक बात भी आई हुई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूँगी कि सारे बंदों का नहीं कह रही लेकिन मेजॉरिटी जो है ना उसकी सोच ऐसी होती है कि जो घर में दो बंदे होते हैं, तो इतनी दफ़ा मैंने तो सुना है भाई तुस ना तो दो बंदे हो तो तुस ना कह कम उसी ना। तो ये मैंने कहा बता दो साथ आप लोगों को बिना प्रूफ के साथ कि जो दो बंदे होते हैं उनका क्या क्या काम होता है। आपसे भी जब कोई अगर पूछे ना तो आप मेरी वीडियो दिखाइएगा कि क्या क्या काम होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो दो बंदे होते हैं। तो अब दो बंदे होते हैं तो काम तो उसी तरह होते हैं ना, क्योंकि दो बंदे जिस घर में रहते हैं उस घर में ये सारे काम साथ ही होते हैं, गंद भी पड़ जाता है, डस्टिंग करनी होती है, सफाइयाँ भी करनी होती हैं, पूरे घर का काम होता है ना दो बंदों का। मुझे बड़ी ये अजीब क्वेश्चन लगता है ना, मैंने तो अक्सर सुना है तो बहुत से लोगों ने भी सुना होगा। आज मेरे जहन में ये चीज़ें थी तो मैंने कहा चलें आज ये डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों के साथ। आप लोग भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि किस किस के साथ ना ऐसे होता है, ये ज़्यादा लोगों की ऐसी सोच है ना। तो मैंने कहा चलें ये बना के मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाती हूँ कि दो बंदों के क्या काम होते हैं। ये तो सिर्फ मैंने सफाई, अभी ट्रेलर है तो बाकी तो किचन के काम इलादा होते हैं सारी, बाकी और भी सफाइयाँ होती हैं सारी, तो कपड़े धोना वगैरह ये तो चले वीक में एक या दो दिन हो जाता है, डीप क्लीनिंग भी होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम घर में काम कर रहे होते हैं ना, तो एक घर में रह रहे होते हैं ना, बेशक वो एक बंदा हो या दो बंदे हों, काम हमारा पूरे घर का ही होता है, तो उसी तरह मैनेज करना पड़ता है। अभी बाहर के काम भी होते हैं, ये घर के काम है, क्लिनिक का काम है, सारा कुछ होता है ऐसे। तो बड़े मज़े से जब कोई पूछता है ना तो सनत क्या काम मोसी जी तुसा तो बस क्या दो बंदे हो, दो रोटियाँ होनी, तो ये दो रोटियाँ ये देखें ना कैसी होती हैं, तो बहुत सारा काम होता है बंदे की तरह। हाँ ये है कि दो से तीन बंदे चार बंदे जिस तरह ज़्यादा बंदे होते हैं उस तरह आप लोगों के काम डबल हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके घर में काम ही नहीं होते, काम बड़े सारे होते हैं जब करने वाला हो तो। अब इतनी गर्मी थी और ये सारा कुछ भी करना था, ये मैंने सारे उतार के फिर धो के वापस ड्राई करके फिर दोबारा इनके कवर चढ़ाए हैं, फिर साफ़ किए हैं सारा, फ़र्श वगैरह धोया है मैंने, तो क्योंकि फ़र्श ना हमारे इस जगह पे बनना हुआ जहाँ से पानी बाहर नहीं जा सकता तो फ़र्श धोना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वैसे पोछा लगा देती हूँ। तो मप वगैरह पहले यूज़ करती थी, ये मैं पहले पहले ना सारों को भी ये कहती थी कि ये पोछा क्यों लगा रहे हैं ना, मप यूज़ किया करें बनने में जो इसी काम के लिए हैं, लेकिन अब जब खुद करती हूँ समझ लगती है कि वो तो यूज़ ही नहीं हो, थोड़ा दिन यूज़ होते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, उससे बेहतर होता है कि बंदा पोछा ही रख ले, बचत भी होती है और बहुत अरसे तक चल भी जाता है। तो आप समझ आती है, बड़े ये ठीक ही कहते हैं, बंदा जब खुद एक्सपीरियंस करता है ना तो फिर सही समझ आती है।
तो ये सारा कुछ बेड शीट्स वगैरह भी, ये रूम भी, और जो साफ़ किया मैं आपको बता रही थी ना, तो पानी ना बाहर नहीं जा सकता मेरा वाइपर से भी, फिर मुझे एक जगह पे इकट्ठा करके फिर वो सारा किसी चीज़ में एब्जॉर्ब करके बाल्टी में डाल के ना पानी बाहर रख, ये भी मुश्किल है काम है, टास्क होता है एक, ये जिस दिन मैंने धोना होता है तो पता, गंद भी बहुत ज़्यादा था। इस तरह तो पोछा लगा रही थी लेकिन काफ़ी दिन हो गए ऐसे डीप नहीं सफाई की थी ना, तो मक्खियाँ वगैरह भी बहुत आ रही थी, तो मैंने कहा चलें आज फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये बस सारा काम किया, ये सोफ़े के कवर चढ़ाना, ये उतार तो बंदा लेता है लेकिन चढ़ाना इतना मुश्किल है, समझ नहीं लगती डबल वाला कौन सा है ट्रिपल कौन सा है ना, तो अकेले बंदे से करना बहुत मुश्किल होता है। पहले थोड़ी देर वेट किया, मैंने कहा हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूँगी तो साथ इकट्ठे, वो फिर थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर मैंने कहा कब तक वेट करूँगी, चलें कोई नहीं ट्राई करती हूँ। ये है कि ऐसा ऐसा करके ना तो सारा कुछ मैंने समेट लिया है, और आप लोगों को भी ये बता रही हूँ कि ये देखें आप लोग भी कि दो बंदियां ने काम क्या क्या होने हैं, वो कम होने हैं जो करने वाला बंदा हो है, तो ना करने वाला बंदा हो तो फिर तो कुछ भी ना करें जी, फ्री फारग भी बंदा बैठ सकता है, रोटी बनाए खाए सो जाए बस, तो करने वाला बंदा हो ना तो 100 हज़ारों काम निकल आते हैं। लेकिन बात यह है कि किसी में इतनी हिम्मत हो कि घर के काम, मैं तो खुद निकाल लेती हूँ काम, अब ये नहीं है अब इसमें अब एक दिन चले ये करूँगी, दूसरे दिन कपड़े सारे निकाल के वो तय करके अलमारियाँ वगैरह साफ़ करना, फिर काम पे भी जाना, ये सारा कुछ मैनेज करना हर बंदे के लिए मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन ये हर बंदे की लाइफ में ये काम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये उन लोगों की सोच गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हर बंदे के काम होते हैं, कि जो बंदा होता है, जो बंदा ज़िंदा होता है ना, उसके घर में मेहमान आते हैं, उसके काम होते हैं, डेली रूटीन काफ़ी सारी बातें होती हैं, तो जो सारा कुछ करना पड़ता है। तो बस आज मैंने यही कुछ कहना था, ये सारी मैंने सफाई की और फिर सोचा, क्योंकि जब सफाई की है ना फिर मुझे पता चला है कि कौन कौन सी चीज़ें घर में काम है ना ख़त्म हो भी रही हैं, और मैंने इतने दिनों से ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि अब ये देखे ध्यान ना देने की वजह से ना मेरे घर इतना हुआ हुआ था बिल्कुल ना, डस्टिंग ऐसे तो करती थी लेकिन डीपली क्लीन ना काफ़ी दिनों से नहीं हुआ हुआ था, तो फिर काफ़ी चीज़ें पता चली। पहले सोचा कि बाहर से इधर ही बाज़ार से मंगवा लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं ऐसा करते हैं कि मैं खुद ही चली जाऊंगी सारा कुछ समेट के ना, तो साफ़ सुथरा करके तो फिर चलते हैं। ये सोफ़ा कम बेड है मेरे, तो पता मैंने आपको पहले भी बताया था ना शायद कि ये जगह काम समेटते हैं ना, तो फिर ऐसा कोई रहने के लिए आता है बंदा फोल्डिंग से हटा लेता है ना, खोल देता है तो डबल बेड बन जाता है मैट्रेस, तो ईजी मैनेज हो जाता है। जब स्टार्ट किया था ना सारा वॉश किए हैं, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये जो कालीन वगैरह है ना ये भी साथ ही वॉश कर देती हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी मुझे गंदे लग रहे थे, क्योंकि बाकी अब साफ़ किया था ना जब, तो फिर ये भी मुझे ऐसे थोड़े से ख़राब लग रहे थे, तो ये भी ना बहुत ऐसे इस तरह के हैं जो वॉश हो जाते हैं ना, मशीन में डाल के वॉश कर लें और फिर वापस स्पिन कर लें, तो ये भी बड़े बहुत प्यारे से हैं। मैंने सारी चीज़ें इसी तरह की है ना जो वॉश भी हो जाएं जल्दी से और वापस, इसी तरह पता है फ़िक्स करके जब कोई कुछ भी चीज़ हम लोग करते हैं ना सोफ़े वगैरह पे, जो भी कपड़ा वगैरह चेंज करवाते हैं ना, तो वो उधर ही फिक्स होता है, वो उस तरह साफ़ नहीं फिर हो सकता, तो ये चीज़ें ज़्यादा ईजी होती हैं। काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने कहा चीज़ें लेने के लिए जाना था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कम थी, तो यहाँ से निकले बाहर तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, ये देखें आप लोग, तो मैंने कहा आगे तो नहीं जा सकेंगे, ऐसा करते हैं थोड़ी देर स्टे कर लेते हैं, तो पेट्रोल पम्प पर हम ना थोड़ी देर के लिए रुक गए थे, बिल्कुल गीले हो गए थे, मेरी भी थोड़ी बचत हो गई थी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही गीले हो गए थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब यहाँ से हम लोग निकले, तो ये देखें आप लोग मौसम ना
बिल्कुल रोड सारे ड्राई थे, ऐसा ही हो रहा है किसी जगह क्या तो किसी जगह क्या, तो पर यह है कि बड़े मज़े का मौसम लगता है एकदम से सारा चेंज। तो बस फिर यहाँ से हम लोग गए बाज़ार पहुँचे, बाज़ार थोड़ी सी चीज़ें मैंने लेनी थी, तो इतनी ख़ास चीज़ें ज़्यादा तो नहीं थी क्योंकि अक्सर हम लोग हमारी ना घर में पहले बहस हो जाती है, हम लोग ये कहते हैं कि कोई नहीं दो तीन चीज़ें बताती है जाके तो फिर ज़्यादा ले लेती है, बाइक पे भी मैनेज नहीं करने होता, मुश्किल होती है ना, तो बंदे को बताओ तो पहले बंदोबस्त कर। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती फ़िलहाल, तो बस जो चीज़ें लेनी है बस वही उठाऊँगी और इसी तरह वापस आ जाएंगे। तो फिर बस गए वहाँ से, थोड़ी सी चीज़ें मैंने वाशरूम की लेनी थी, डिटॉल वगैरह या इस तरह ना क्लीनिंग की कोई चीज़ें लेनी थी, तो वो वहाँ से ली और बस हम लोग वापस आ गए। तो आप आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।